हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर उत्पल। फ्रूट्स या फ्रूट जूस, विच वन इज़ बेटर? ऑब्वियसली फ्रूट्स आर बेटर देन फ्रूट जूस। छोटे बच्चे में जब 6 मंथ्स के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करते हैं, तब हम इनिशियली उसको फ्रूट्स का पल्प दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा च्यू करना नहीं सीखा है। उसके इस टाइम पे आप उसको बनाना, मैंगो, पपाया, चीकू, ये सब मैश करके धीरे धीरे खिला सकते हैं, ताकि उसका फ्रूट्स के प्रति टेस्ट डेवलप हो। 1 ईयर के बाद जब बच्चा खुद से बैठ के खाना सीखता है, खुद वो खाने लगता है, तब हमें फ्रूट पल्प में से उसको फ्रूट्स देना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उसको पकड़ेगा, महसूस करेगा, उसकी स्मेल लेगा, उसको कलर को देखेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में क्या खा रहा है। और ऐसे करने से उसको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस उसकी स्पेशल सेंसेस भी डेवलप होगी। फ्रूट जूस हमें क्यों नहीं देना है? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक लेस देन 2 ईयर्स के बच्चे को हमें कोई भी टाइप का फ्रूट जूस नहीं देना है। 2 to 5 ईयर्स के बच्चे को आप 125 ml पर डे जितना फ्रूट जूस दे सकते हैं, और मोर देन 5 ईयर्स के बच्चे को 250 ml पर डे जितना फ्रूट जूस हम दे सकते हैं। ये तो बात हो गई फ्रूट जूस जो हम खुद घर पे बनाते हैं, उसमें कुछ भी शुगर नहीं मिलानी है और पानी भी ज़्यादा नहीं मिलाना है। जब आप शुगर और पानी मिला देते हैं तो उसकी कैलोरी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, पर न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम जूस बनाते हैं तो उसमें फाइबर का लेवल भी कम हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रुक्टोज उसमें होती है, जो धीरे धीरे बॉडी में शुगर को रिलीज करती है, वो भी फास्ट रिलीजिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, और इससे तुरंत हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। बच्चे को अगर आप फ्रूट जूस दे रहे हैं तो उससे ही उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और 2-3 घंटे तक फिर वो खाना नहीं खाएगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को फ्रूट जूस ना दे के होल फ्रूट दें, हो सके उतना, और अगर देना भी चाहते हैं तो घर पर बना हुआ ही फ्रूट जूस दें। अगर आप बाहर से मिलते जो कैन में मिलते हैं, या तो फिर बॉटल में जो फ्रूट जूस आते हैं, वो वाले फ्रूट जूस हमें बच्चे को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होता है, वो हाई कैलोरी होती है, शुगर उसमें बहुत हाई होती है, प्लस उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं उसको स्टोर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। इवन एडल्ट्स को भी ऐसे फ्रूट जूस नहीं पीने चाहिए। चाय और कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज हमें बच्चे के कोई भी टाइप के कैफीनेटेड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, कोला, ये सब नहीं देना चाहिए। अगर आप 5 ईयर्स के बाद, 5 to 10 ईयर्स तक हम उसे हाफ कप जितना दे सकते हैं, और आफ्टर 10 ईयर्स उसको 1 कप, मतलब कि 5 to 10 ईयर्स में आप उसको 100 ml पर डे चाय या कॉफ़ी दे सकते हैं, और 10 to 18 ईयर्स तक 200 ml जितना हम चाय या कॉफ़ी उसको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। अगर चाय कॉफ़ी आप दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसके अलावा चॉकलेट, कोका कोला, ऐसी कोई भी कैफीनेटेड जो चीज़ है वो बच्चे को नहीं देनी चाहिए। थैंक यू।